आज मैं गीता के भूमिका के संबंध में चिंतन कर रहा हूं, क्योंकि गीता का प्रागट्य हुआ क्यों, आवश्यकता क्या थी? इससे पहले बहुत शास्त्र थे, धर्म का मूल तो वेद माना जाता है और समस्त ज्ञान के आकर कोश आलय ये तो उपनिषद माने जाते हैं। इससे पहले भी बहुत ग्रंथ थे, पर श्रीमद् भगवद गीता के ही प्रादुर्भाव की आवश्यकता पड़ी क्यों? इसलिए मुझे तो अपने आप ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, लोग कहते हैं बड़ी कृपा करके और अर्जुन को गीता सुनाई, जरूर कृपा की होगी। मेरे अपने मंतव्य से वो मंतव्य मेरा गलत भी हो सकता है। अगर अर्जुन के मन में विषाद न जागता तो निश्चित मानिए कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन न होता। जब अर्जुन के मन में विषाद जागा तो भगवान श्री कृष्ण को रात भर नींद नहीं आई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहने वाला ये व्यक्ति और ये विषादग्रस्त हो गया तो दुनिया को मेरे प्रति श्रद्धा रहेगी कि नहीं, इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना। जब अस्तित्व के ऊपर संकट आता है ना तो व्यक्ति को बहुत चिंता होती है। जब भूकंप आता है तो एक दूसरे को लोग नहीं बचाते हैं, अपने प्राणों की अधिक चिंता होती है। यदि भगवान के साथ रहने वाला आहार निद्रा सन भोजन ऐशो, भगवान के साथ वो भोजन में भी साथ में है, निद्रा में भी साथ है, भ्रमण में भी साथ है, सुख में भी साथ है, मैत्री में भी साथ है। भगवान तो कहते हैं धनंजय मेरी आत्मा है, और धनंजय कहता है श्री कृष्ण मेरी आत्मा है। उस समय भगवान ने सोचा यदि एक अर्जुन को ही मैं ज्ञान प्राप्त न करा सका तो आगे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी छोड़ो ना श्री कृष्ण को, वृंदावन में नाचने दो, रास रचाने दो, द्वारिका का राजा रहने दो, लेकिन श्री कृष्ण जीवन के जीवन और प्राणों के प्राण न बन पाते यदि वो अर्जुन को विषाद मुक्त न कर पाते। इसलिए अर्जुन को विषाद मुक्त करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अपने संपूर्ण विभूति को, संपूर्ण साधना को, संपूर्ण आशीर्वाद को, संपूर्ण आंतरिक बल को प्रकट करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रकट करते हैं। हम में से सब सन्यासी बहुत अच्छे हैं, मैं सबका आदर करता हूं, पर वो कभी भी अपने शिष्यों से अकेले में 12-12 वर्ष के सत्संग होने के बाद भी कोई अपने शिष्य से पूछता नहीं कि तुम मुक्त हुए। उसको डर लगता है ये पूछा तो कल से आएगा कि नहीं आएगा। केवल श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्य से पूछते हैं, कच्चे देतत प्रथम कच्चे तेतत श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा। अर्जुन तुमने एकाग्र चित्त से मेरी कुछ बात सुनी है और उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर हुआ है क्या? कैसा शिष्य है अद्भुत। कहता है महाराज जिसके लिए आपने प्रारंभ की थी गीता, उस गीता को मैंने पचा लिया, आत्मसात कर लिया, क्योंकि जिस समय आपने गीता मेरे लिए प्रारंभ की उस समय मेरी दशा मुझे मालूम, बेपतुष्ट शरीर में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदहियते। मेरी त्वचा जल रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था, सारे संसार को अपनी गांडीव की प्रत्यंचा से दिग्दगांत को प्रभावित करने वाला वो अर्जुन, उसके हाथ में से गांडीव छूट रहा था। किसी योद्धा की ऐसी दयनीय स्थिति संसार में होती है क्या? और ऐसी दयनीय स्थिति में खड़े होने पर भी मुझे बहुत आप श्रेष्ठ लगते मेरे भगवान, सचमुच आप मेरे ईश्वर हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने आपको ज्ञान का उपदेश किया। पूरा पहला अध्याय आप पढ़िए, वो कह रहा युद्ध करने से ये हानि होगी, ये हानि होगी, ये हानि होगी। मुझे भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रणाम में अधिक लगते हैं कि अपने शिष्य और अनुगत के द्वारा उपदेश श्रवण कर रहा है। हमारे सामने कोई हमारा शिष्य अपने ज्ञान की बात करने लगे तो हम कहेंगे बहुत डरपन नहीं बताओ,
छानो मनो बैसी रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े और अर्जुन उन्हें खूब अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, वर्ण शंकर प्रजा हो जाएगी, सारे संसार में अनीति फैल जाएगी, श्राद्ध देने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण की यही विशेषता, हम सब भक्तों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इतने बड़े उपदेश श्रवण करने के बाद भी भगवान शांत खड़े हुए। केवल गुरु ही बोलना न जाने, कभी शिष्य भी कुछ कहता हो तो गुरु बड़ी शांति से उसको सुने, भले वो बात उचित ना भी हो तो भी सुने, क्योंकि उसकी अनुचित बात सुनने के बाद उसे औचित्य क्या ये बताने का अवसर मिलेगा ना। यदि वो अपने भीतर से खाली नहीं होगा, वो रिक्त नहीं होगा, घुटन बनी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, निरंतर बार बार सोचा ही करेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। इसलिए एक बार भगवान ने सोचा इसको खाली होने दो। मेरे प्रवचनों में कई बार आपने खाली पने की प्रशंसा सुनी, फिर से याद दिलाता हूं, सुराही बहुत अच्छी होती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है, डायमंड डेक्ट भी हो सकती है, अगर कोई अरब का बादशाह हो तो वो अपनी सुराही के ऊपर डायमंड लगाता है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि सुराही में पानी भरा हुआ ठीक है, बात बहुत महंगी है, लेकिन उसके सामने एक चषक रखा है, एक प्याला रखा है, एक ग्लास रखा है, वो सुराही को देखता है और बड़ा मस्त है। सुराही ने देखा ये प्याला मुझसे ज्यादा सुखी दिखाई पड़ रहा है, इसे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता बहुत हो रही। सुराही ने पूछा, तुम बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, तुम बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हो। उसने कहा, सुराही तुम्हें मालूम है मैं रिक्त हूं, जो रिक्त होता है वही भरा जाता है, भरे को कोई भरता नहीं। तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज्यादा है, सुराही सिर झुका देती है जबकि जाम आता है। जब उसके सामने चषक वो प्याला आता है तो सुराही को झुकना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से पूर्व, अध्ययन करने से पूर्व, स्वाध्याय करने से पूर्व प्रतिदिन पहले अपने को रिक्त करते जाए। जितना जितना रिक्त अपने को करेंगे उतना ही उतना अनुग्रह की वर्षा होगी। वर्षा कितनी भी हो, लेकिन आप तो बड़े बुद्धिमान, एक भी कपड़े भीगने न पाए, वर्षा में बरसने वाले बिंदु आपको स्पर्श न करें, इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया छतरी लेकर चलते हैं। धोधमार बरसात में तुम्हें छतरी लेने चालो कहीं खोटू नहीं, पर परमात्मा की कृपा जारे वर्ष है त्यारे छतरी अज्ञानी मोहनी प्रमादनी आप बधी छतरी हटा ही दे दो। जब वो छतरी हट जाएगी तभी तो आप भीगेंगे अनुग्रह की वर्षा में, नहीं भीगेंगे कैसे। अर्जुन की बड़ी कठिनाई कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद विषाद आ गया। जब विषाद आता है तो मनुष्य कई बार उन्माद में चला जाता है, कर्तव्य का निर्णय न कर पाने के कारण कर्म की शक्ति समाप्त होती है और प्रमाद आ जाता है। विषाद से उन्माद, प्रमाद और फिर विवाद, यह सब कुछ संसार में आजकल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर संदेश देती है, विषाद से बचो, उन्माद से बचो, प्रमाद से बचो, संवाद में रचो। यदि संवाद प्रारंभ होगा तो विवाद मिट जाएगा, लेकिन लोग संवाद नहीं करना चाहते हैं, विवाद। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि परमात्मा के साथ संवाद करने के बाद अर्जुन ने एक ही बात कही कि महाराज भारतीय संस्कृति में कोई वाद स्वीकृत नहीं है, केवल एक वाद स्वीकृत है, जब विवाद समाप्त हो जाए, संवाद प्रारंभ हो जाए, तब केवल धन्यवाद ही शेष रहता है, इसलिए धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता सारे संसार में धन्यवाद की परंपरा को जागृत करना चाहती है, जिससे लोगों के मन का मैल मिट जाए, बीच की दीवारें टूट जाए। सर्वम खलविदम ब्रह्म का सिद्धांत, जो इस देश का सर्वोच्च सिद्धांत है, उसको जीवन के भीतर धारण करने की शक्ति मनुष्य के भीतर आ जाए, विषाद जागा।
दुनिया में जब भी विषाद कभी जागे तो आप चिंता मत करिए। उस विषाद के समय में केवल एक ही होना चाहिए कार्य, कि परमात्मा का आश्रय नहीं छूटना चाहिए। तत्काल विषाद यदि न मिट सके तो चिंता नहीं, लेकिन परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा का पवित्र नाम, उनके पवित्र विग्रह का दर्शन, उनके सात्विक उपदेशों को जीवन में धारण करने की अभिकल्पना, ये सारा यदि बना रहा जीवन में, तो आप निश्चित मानिए कि आपका विषाद धीरे धीरे मिट जाएगा। अर्जुन को यदि विषाद न हुआ होता, मैंने विचार किया कि पहला अध्याय विषाद योग और दूसरा अध्याय ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण तो गीता को पूर्ण कर ही चुके द्वितीय अध्याय में ही, क्यों रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, और ज्ञान की संपूर्ण चर्चा द्वितीय अध्याय में बहुत प्रकार से बड़े विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने किया। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ज्ञानी क्या करेगा, इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज आपने ज्ञान योग तो सुना दिया, लेकिन आपकी चर्चा, आपके शिमुख से जो कुछ निकल रहा है वो इतना आनंददायी है कि आप इसे विराम मत दीजिए। और अभी अर्जुन देख रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, आत्मनिरीक्षण चल रहा है। हमारे सब श्रोताओं को जो बड़े लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, ये सब वंदनीय है, उनको एकत्र करने वाले महापुरुष भी प्रणम में है, लेकिन कथा सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद इस देश में आत्मनिरीक्षण करने की परंपरा निश्चित रूप से बहुत कम। यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता रहे तो स्वाभाविक रूप से दोष अपने आप मिटते हैं, उनके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता। निरीक्षण करने की वृत्ति हो साधारण तो भी उससे काम चल जाता है, आप उसके लिए सजग न हो तो भी काम हो जाता है। रात को आपके घर में चोर आ गए, आप जागृत नहीं थे पर आपको उधरस का रोग हो गया, आपको खांसी आ रही थी, आप इतनी जोर से खांसे कि चोर घर में घुसा और आप जोर जोर से खांसने लगे, चोर को ऐसा लगा मालिक जग रहा है, उसने अपने मित्र से कहा इस घर में चोरी नहीं करेंगे, क्यों मालिक जग रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल लोगों ने देखा पैरों के चिन्ह, घर के लोगों ने कहा कि चोर तो आए थे लेकिन चोरी कुछ भी नहीं है। आपस में विमर्श हुआ तो बोले काका आप रात को बहुत जोर जोर से खांस रहे थे क्या, अरे बोले 3 मिनट तक खांसी बंद ही नहीं हुई, बोले उसी समय चोर आए होंगे और वो लौट गए। यदि चोर को ये पता हो कि मालिक जग रहा है, दोष को यदि ये पता हो कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर रहा है, तो दोष धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाए। इसलिए हम सब लोगों का प्रवचन और स्वाध्याय के बाद में आत्मनिरीक्षण के लिए मनन करने की बात कही, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च, 3 प्रक्रियाओं के द्वारा प्रवचन और कथा जीवन में उतरती है। श्रवण के द्वारा बड़ा अच्छा है, समय का सदुपयोग होता है, अपने दोष का वर्णन अपने महापुरुष के सामने कर देने से दोष वैसे भी समाप्त होता है। हमसे कोई भूल हो जाए तो मैं अपने पिताजी माताजी से जल्दी जल्दी नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई साहसी बालक अपने उस देश को, दोष को अपने माता पिता के सामने प्रकट करे तो माता पिता उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तुम मनुष्य हो, ऐसी भूल संभावित है, लेकिन अब दोबारा मत करना। अब उसके प्रेरक और उसके रक्षक उसके माता पिता बन जाते हैं, उसका गुरु बन जाता है। इसलिए अर्जुन ने सोचा मैं अपने मन के साथ जितने दोष हैं उन सब का वर्णन अपने आराध्य के सामने करूंगा और फिर मुझे श्री कृष्ण भगवान चुपचाप खड़े। आपके परिवार में भी कोई बहुत ज्यादा बोलता हो, आपसे निवेदन है कि आप उस समय चुपचाप खड़े रहिए, बोलिए मत। और जब आप बोलना बंद कर देंगे अपने किसी प्रिय व्यक्ति से, एक बड़ी पीड़ा जाती है, आपको अनुभव होगा। जब कोई आपका प्रियजन आपसे नहीं बोलता है तो आपको सबसे ज्यादा व्यथा के क्षण वही होते हैं। 2 मित्रों के बीच में बोलना बंद हो जाए तो मित्र बड़ा छटपटाता है,
वो कहता है भाई ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने उससे बोलना ही बंद कर दिया। भगवान ने सोचा अब इससे बोलना बंद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रिय है और पहले अध्याय को समाप्त होते होते दूसरे अध्याय में पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण मौन। अब अर्जुन का मोह गलित हो रहा है। प्रिय को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी बलिदान करना पड़े व्यक्ति करता ही। उन बलिदान के क्षणों में उसे ज्ञात भी नहीं होता कि मैं क्या बलि दे रहा हूं। यदि बलिदानी को अपने बलिदान के की महिमा ज्ञात हो तो बलिदान दे ही नहीं सकता है। भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद को बलिदान देते समय प्राणों की कोई चिंता नहीं है, उसका मोल नहीं मालूम है, बस राष्ट्र सबसे बड़ा है, इसलिए मैं अपने इस छोटे से फूल को चढ़ाऊंगा, अपने जीवन के पुष्प को अर्पित करूंगा। मैत्री में, श्रद्धा में, आदर में, समर्पण में व्यक्ति को अपना ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए अर्जुन ने मन में विचार किया कि मुझसे जिसके बिना बोले मैं रह नहीं सकता, और ये बोल नहीं रहे। अब उसने सोचा उपाय क्या है। जो भूल उससे हो गई थी अब समझ में आने लगी। समझ में आते आते वो तुरंत कहता है महाराज अब तो बोलो। क्यों बोलू? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्। यहां से बात चली। उसने कहा मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं। दुनिया में यही तो कठिनाई है, संपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं और धारावी की झोपड़ी में विपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरा देश केवल दो बातों में बट गया, एक संपन्न में और दूसरा विपन्न में। बटना चाहिए था प्रपन्न में, पर प्रपन्न कोई दिखता नहीं, इसलिए भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान का अवतार क्यों नहीं होता? हम संपन्नता में जी रहे हैं, हम विपन्नता में जी रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है वो प्रपन्नता का, वो ईश्वर की कृपा से आता है। उसके बिना मनुष्य साधना करे करने चाहिए, लेकिन जब तक प्रपन्न नहीं होगा। प्रपन्न का अर्थ होता है अपने किसी भी बल का किंचित मात्र अभिमान नहीं। अभी हम सब लोगों के भीतर कहीं ना कहीं कोई अभिमान बैठा ही रहता है, अवसर पाकर वो जागृत होता है, बड़ी कठिनाई होती व्यक्ति को। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। सोचा अब मैं आप अपने को समर्पित करता। समर्पण ही वो सबसे बड़ी साधना के क्षण हैं जहां परमात्मा को विवश करते हैं मिलन करने। परमात्मा विवश होता है उस प्रपन्न से मिलने के लिए। विभीषण परमात्मा श्री राम को प्रपन्न होता है, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पे विपन्न होते हैं, विदुर विपन्न होते हैं, द्रौपदी विपन्न होती है, और आप इन सब के जीवन में देखिए अपने बल का कोई प्रयोग नहीं, पूरी तरह से समर्पित। तब परमात्मा ने कहा अब जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ बनूंगा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, अर्जुन अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहता है क्षत्रिय का मेरा स्वभाव, शौर्य मेरा जीवन, युद्ध मेरे जीवन का अंग, लेकिन कैसी विचित्र बात हुई, मेरे भीतर मोह जग गया, द्रोणाचार्य के प्रति जाग गया, भीष्म पितामह के प्रति जाग गया। बड़ी कठिनाई है, अपने ही समाज का, अपने ही परिवार का व्यक्ति दुराचारी हो और हम उसका पक्ष लेने लगते हैं, और बड़ी कठिनाई है जब ऐसा होने लगता है तभी समाज के भीतर दोष उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा यदि इसी प्रकार का आचरण कोई दूसरे समाज का व्यक्ति करे तो तुम क्या करोगे? एक अबला स्त्री की लाज जा रही हो और दूसरे परिवार का 80 वर्ष का वृद्ध शक्ति संपन्न होने पर भी आंखें बंद कर ले तो अर्जुन तुम क्या करोगे? अर्जुन ने बोला कि ऐसे तो पूज्य को मैं पूज्य नहीं मानूंगा। तो बोले भीष्म पितामह ने क्या किया? यही तो किया। द्रोणाचार्य ने क्या किया? यही तो किया। जिनको बात मानती थी, जिनको समर्पित हुई थी, उन युधिष्ठिर ने क्या किया? यही तो किया।
नकुल, सहदेव, भीम सबने क्या किया जब उसने देखा कि कोई संसार में जिनसे जिनसे संबंध बांधे थे विपत्ति के अत्यंत कठिन क्षणों में भी मेरे कोई काम न आए, तो परमात्मा श्री कृष्ण को उसने कहा संपन्न व्यर्थ गए, अब तो केवल परपन्न ही बन के रहूंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो।